पर विश्व स्तनपान सप्ताह के समापन के अवसर पर मुख्यालय पौड़ी के विकास भवन के सभागार में महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा गर्भवती और धात्री महिलाओं का ब्लड टेस्ट, शुगर टेस्ट, बीपी टेस्ट आदि की जांच की गई। इस मौके पर लाभार्थी महिलाओं को महालक्ष्मी किट और सैनिटरी पैड भी वितरित किए गए। कार्यक्रम में गर्भवती और धात्री महिलाओं को स्तनपान से बच्चे को मिलने वाले पोषण के बारे में जागरूक किया गया। पौड़ी से मुकेश मछेती की रिपोर्ट। सात अगस्त तक तो हमने विश्व स्तनपान दिवस दिन पर पौड़ी गढ़वाल में आयोजित किया या और शुरू के दिन से लेकर आज तक हमने विभिन्न दिन में विभिन्न गतिविधियां आयोजित करी हैं आंगनबाड़ी केंद्र में, परियोजना स्तर पर और आज समापन स्तर पर हमने जनपद स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन किया है। इसमें हमने स्वास्थ्य विभाग की टीम भी बुलाई है और विभिन्न गर्भवती और धात्री महिलाओं को हमने यहाँ पर बुलवाया है जिनका स्वास्थ्य जाँच हो रहा है, जिसमें इनका हीमोग्लोबिन जाँच, इनका ब्लड प्रेशर हो गया, इनको आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट दी जा रही है और यदि इनको कोई भी और स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हैं तो उनके लिए इनको हर संभव मदद की जाएगी। साथ ही हमने गर्भवती महिलाओं को एक किट दी है जिसमें इनके सामान्य दैनिक जीवन का कुछ सामग्री है और एक पात्र महिलाओं को हमने आज महालक्ष्मी किट का भी वितरण किया। सप्ताह के अवसर पर आज अंतिम दिवस पे यहाँ पे महिलाओं के लिए स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है जिसमें हीमोग्लोबिन की जाँच और ब्लड प्रेशर की जाँच और अन्य गर्भावस्था से जुड़ी जो भी महिलाओं को दिक्कत है उस पर हम महिलाओं का देख रहे हैं और यहाँ पे करीबन दो दर्जन से ज़्यादा महिलाओं ने आई हैं और बढ़ चढ़ कर हिस्सा